अवैध शराब बेचते दो लोगों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दास शर्मा के निर्देश पर दूदू थाना पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में दो जगहों पर अवैध शराब बेचते दो लोगों को पकड़ा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू लक्ष्मण दास स्वामी ने बताया कि वृत्ताधिकारी दूदू देवेंद्र सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी दूदू सुरेश यादव ने शराब का अवैध धंधा करने वाले कानाराम पुत्र सूंडाराम जाति गुर्जर निवासी चांद्रमूल जिला जयपुर को अवैध शराब बेचते गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी कार्रवाई में आलम शेख पुत्र पीर मोहम्मद जाति कलाल निवासी खटीको का मोहल्ला दूदू को स्कूटी पर देसी अवैध हथकड़ शराब बेचते गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी सुरेश यादव ने बताया कि मुलजिमों के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत मुकदमे पंजीबद्ध किए जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव राजस्थान, जयपुर।